तो दूसरे गांव का लड़का है। ये उस गांव का है, हमारे गांव की लड़की को भगा कर लेके जा रहा था। क्या इससे प्यार करती हो? क्या तुम इससे प्यार करती हो? ऐसा था तो माँ बाप को बताकर शादी कर लेती, भागने की क्या जरूरत थी? अगर बता दिया होता तो ये दिन ही नहीं आता, हम इसके टुकड़े टुकड़े कर देते। इसी वजह से ये दोनों भाग रहे थे। ए, इन दोनों गांव की दुश्मनी के बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो। ए, तुझे उस गांव से जलन क्यों होती है? ए, आखिर वहां के लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? दो लोगों की आपसी दुश्मनी को तुम लोगों ने गांव भर की दुश्मनी बना दिया। दोनों गांव के जो बच्चे हैं इस झगड़े की वजह भी नहीं जानते। तुम ये भूल कैसे गए? तुम यहीं पैदा हुए, इसी गांव में बड़े हुए हो, लेकिन यहां प्यार करने वाला नहीं बदला लेने वाला मर्द होता है, नफरत करने वाला महान होता है। अपनी झूठी शान बचाने के लिए वो किसी की भी परवाह नहीं करते, चाहे बीच में उनकी मां आ जाए या चाहे उनका बाप। तुम्हारी गलती बस इतनी है कि तुम उस गांव के हो। चलो भैया, वो उसे लेकर जा रहा है, दोबारा हाथ नहीं आएगा। आप बोले तो साले को चीनी डालेंगे। कौन बोला? कौन बोला बे? कौन है जो इसे चीनी डालेगा? पूरा गांव एक तरफ और मैं अकेला इसके साथ। जिससे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है वो बस इसे छू कर बताए। मैं इसे ले जा रहा हूं, रोक सको तो रोक लो। मुझे खबर मिली है कि उन लोगों ने मेरे गांव के एक बच्चे को पीटा है, रास्ता छोड़। रवि, मेरा बेटा, कितना मारा है तुझे। उस गांव के जिस आदमी ने भी तुझे हाथ लगाया है उन सब के हाथ उनके धड़ों से अलग कर दूंगा रवि। बस इतना ही? आप उन्हें जान से नहीं मारेंगे? आज इसके साथ जो हुआ उसके लिए सिर्फ वो जिम्मेदार नहीं है, आप भी हैं। तो आपकी सजा क्या है? आपने एक बड़े भाई की तरह इसे पढ़ाया है, इसे संभाला है, पर इसने भागने की बात आपको नहीं बताई। क्या इस डर की वजह जानते हैं? आपने इसका साथ दिया हर मुश्किल में, पर प्यार के मामले में आप इसका साथ नहीं देंगे, ये बात इसे पता है। याद है आपने क्या कहा था? इसे जिंदगी में जो चाहिए वो इसे जरूर मिलेगा, पर आज ये आपके सामने अपना प्यार उस गांव में हार कर आया है। अब ये क्या कर पाएगा? और ये सब आप ही की वजह से हुआ है, आपका इस पर पूरा हक बनता है। अब इसे डुबाना है या उभारना है ये आपका फैसला है। ये किसी भी हालत में हमारा दामाद बनने लायक नहीं है। ऐसे लड़के को प्यार करती हूं? हां, भूल जाओ उसे। मर्द बनता है तू? हाँ, माचो मैन, तुझे मर्दानगी दिखाने को मेरा ही गांव मिला था। 25 साल पुरानी दुश्मनी को चुटकी में बदलेगा, इतना महान है तू? अब तक तेरे टुकड़े हो गए होते अगर तू मेरे घर पर मेहमान ना होता। मैं तुझसे इतनी नफरत करता हूं फिर भी मेरे घर की रोटी खाते हुए शर्म नहीं आती तुझे? अपने प्यार भरे दो मीठे बोल बोलकर तूने मेरी भोली भाली बेटी को फुसला दिया होगा, पर मेरा और इस घर का दामाद बनने के लिए सिर्फ ये लड़की तुझे पसंद करे ये काफी नहीं है।
फूफा पसंद करे, चाचा भी पसंद करे, बुआ पसंद करे, मैं पसंद करूं, तब तू दामाद बनेगा इस घर का। पर यहां पर तुझे कोई नहीं चाहता, कोई तुझे पसंद नहीं करता। एक बात बता, तुझे क्या लगता है कि तेरे बिना मर जाएगी? जैसे ही तू यहां से जाएगा, चार दिनों में ही ये अपने परिवार के प्यार में तेरे प्यार को पूरी तरह से भूल जाएगी। कान खोल के सुन, मैं यहाँ के गांव का, घर का, सबका मुखिया हूँ। इस घर का दामाद और मेरा उत्तराधिकारी वो होगा जो मेरी शान को बरकरार रखेगा, ना कि तेरे जैसा घटिया चाला का। भानु, भानु, बस करो। ये गांव क्या सोचता, तुम उसकी बात करते हो, बस घर के बारे में कभी सोचा? तुमने दुश्मनी की बात की और हमने इसे अपने सर आंखों पर रखा। तुम मर्दानगी और मानता की बात ना ही करो तो अच्छा है। तुम ही ने उसको यहाँ गांव में बुलवाया और फिर से पिटवाया। वो फिर भी हंसता रहा और हमें प्रेम की भाषा सिखाता रहा। इसे महानता कहते हैं साले साहब। तुम्हारे खरीदे हुए गुंडे इसने चुटकी में मसल दिए, सबको मार भगाया। इसे कहते हैं मर्दानगी। प्लीज आप चुप हो जाइए। आज चुप नहीं रहूंगा। क्यों जी? मैं तुम्हारे खिलाफ बोल रहा हूँ इसलिए तुम मुझे बाहर फेंक सकते हो, पर अब मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ। इज्जत और अभिमान से जीने की हिम्मत इस लड़के ने हमें दी है साले साहब। हाँ, इस लड़के ने। ये बताओ, वो जैसा कामचोर दामाद बन सकता है, ये दामाद बन सकता है, और यहाँ तक कि तुम्हारी नजर में वो गुंडा भी दामाद बनने के लायक है। पर जो इस घर में इतनी खुशियाँ लाया है, ये लड़का तुम्हारा दामाद बनने के लायक नहीं। ऐसा क्यों भैया? ये तो कहना मुश्किल है कि भूमि इस परिवार के प्यार में से भूलेगी या नहीं, लेकिन हमें जिसने मोहब्बत की भाषा सिखाई, उसे नहीं भूलेंगे हम। पूरा गांव क्या सोचता है उसकी हमें परवाह नहीं। हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं। एक बात तो बिल्कुल सही है, भूमि के लिए इससे अच्छा लड़का कभी नहीं मिलेगा। सर, अब आप इन लोगों की बातें मत सुनिए। ये लोग तो मेरी मीठी मीठी बातों के जाल में फंस गए। आज तक मैं सोचता था कि ये प्यार और अपनेपन की वजह से मेरी इज्जत करते हैं, पर तुमने मुझे ये एहसास दिला दिया कि वो प्यार नहीं डर। सर, मैं सिर्फ नफरत की भाषा बोलता रहा, इस डर से कि कहीं इसे प्यार न कर बैठे। बचपन से ही मुझे बाप का प्यार नहीं मिला। सोचा था मेरी बीवी ही मेरी जिंदगी है, पर वो भी 2 साल में चली गई। उसके बाद यही मेरी जिंदगी है, यही संसार है, पर मैं उससे ये कह नहीं सका। पता नहीं मैं ऐसा क्यों बन गया। प्यार से बात करना तो मैं भूल ही गया हूं। मैं अपनी बहनों से दूर नहीं रह सकता था, इसलिए उनके पतियों को घर जमाई बना लिया। जब पता चला ये तुमसे प्यार करती है, तो मुझे लगा कि मेरा संसार टूटकर बिखर जाएगा। अगर ये चली गई तो मेरा क्या होगा? उसे यहां रखने का स्वार्थ था जो मैंने उसकी शादी अपने गांव वाले से तय कर दी। इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया था। किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें इससे दूर भगा देना चाहता था। सारे घर वालों के सामने मैं तुम्हें हराना चाहता था, पर तुम जीत गए। सर, मैं हार गया, हार गया। मैंने तो इसके बॉयफ्रेंड को बुलाया था, पर ये तो इस घर का दामाद ले आई। खुश रहो।
किंतु क्रिश, आई लव यू। पता है मैंने अपने पेरेंट्स से बात कर ली है और वो मान गए हैं। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी। आई लव यू क्रिश। तुम्हारे पेरेंट्स भी मान गए? क्रिश, तुम चले जाओ। वही हुआ जिस बात का डर था हमें, जो नहीं सोचा था। मेरे डैडी तुम्हें चाहने लगे हैं। डैडी के मुंह से अपने लिए प्यार के दो शब्द सुनने के लिए मैं तरस गई थी। आज उन्होंने पहली बार कहा कि मैं उनकी दुनिया हूँ, इतना काफी है क्रिश। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से खुद को और तकलीफ दो। तुम जाओ। अगर अभी चला गया तो तुम्हारे पापा को धोखा देने जैसा होगा। अभी या बाद में मुझे जाना तो है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर तुम्हारे सारे रिश्तेदार जिन्होंने तुम्हारे पापा के खिलाफ होकर मेरा साथ दिया, मेरी वजह से उनका विश्वास टूटेगा और तुम्हें जिंदगी भर अपने पापा से शर्मिंदा होकर जीना पड़ेगा। सब ठीक होता अगर वो मुझसे नफरत करते तो उन्हें सच बता देते। ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब जो भी होगा संभाल लेंगे। उम्मीद तो कम है कि वो हमारी बात समझ पाएंगे। फिर भी पहली बार मैं अपना वादा नहीं निभा पा रहा हूं। मैं फंस गया। मेरी बेटी आपके बेटे से शादी नहीं करेगी। लेकिन तुमने तो मुझे जबान दी थी, अपना किया हुआ वादा तुम कैसे भूल गए भानु? जब वादा किया था तब बात कुछ और थी, अब बात कुछ और है। उम्मीद है कि आप मेरी मजबूरी को समझेंगे। भूमि ने अपना फैसला कर लिया है। अगर तुम्हारे साथ शादी हुई तो वो खुश नहीं रहेगी और ना ही तुम खुश रह पाओगे। खुश रहने के लिए तुम्हारी बेटी को क्या चाहिए? वही ना जो हर लड़की की तमन्ना होती है। उसका बदन गहनों से सजा दूंगा, एक महीने में उसके पाव भारी कर दूंगा और 9 महीनों बाद तुम्हारा पोता तुम्हारी गोद में होगा। और अगर उसने अपना मुंह काला कर दिया है तो उसे मार दूंगा। अपने दिमाग से यह ख्याल निकाल दे कि मैं तेरी इज्जत करता हूँ। मैंने उसे बचपन से चाहा है, मैं उसे किसी और की बाहों में नहीं देख सकता। साले, तूने ये सोच भी कैसे लिया कि तू मुझे इनकार कर देगा और मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा? जो तेरे दिमाग में चल रहा है वही इस वक्त मेरे दिमाग में भी चल रहा है। खत्म कर दूंगा। आइंदा इस घर के किसी भी आदमी को हाथ लगाने की कोशिश की ना तो खाने और धोने के लिए सिर्फ एक ही हाथ बचेगा। सुन, तेरे बेटे ने मेरे गिरेबान में हाथ डाला फिर भी तू देखता रहा। अब समझा, जो मेरे अपने थे वो तो पराए निकले और जो पराया था वो मेरा अपना निकला। अब तक तुम सोचते थे कि तुम्हारा बेटा मेरी जायदाद का वारिस बनेगा, तो अब तुम सुन लो, आज से ये लड़का मेरा वारिस होगा, ये मेरा दामाद होगा। एक अजनबी पर भरोसा करके मुझसे दुश्मनी करने के लिए तैयार हो गए? सिर्फ तुम पर भरोसा करके मैंने अपने भाई को छोड़ दिया। इस लड़के ने मुझे सिखाया कि रिश्तों की क्या पहचान है। मैं अभी उसके घर जा रहा हूं। आज मैं अपने भाई के घर जाऊंगा और उसको इस घर में ले आऊंगा। एए, गाड़ियां निकालो।
तुम्हारे सामने कोई मुखिया नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई खड़ा है। सुना